भिलाई तिनचरौदा क्षेत्र के व्यस्ततम उम्दा मार्ग की जीर्णोद्धार प्रारंभ कर दिया गया है। बरसात के दिनों में इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाया करते थे, जिससे इस रास्ते पर आवागमन करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भिलाई तिनचरौदा के सिरसा गेट से उम्दा पहुंच मार्ग पर सफर करना क्षेत्रवासियों के लिए खासी मुसीबत बन गया था, जिसे देखते हुए भिलाई तिनचरौदा निगम के द्वारा इसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु इस कार्य में भारी वाहनों का आवागमन काफी बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिसे देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। परंतु वहीं दुपहिया वाहनों के लिए आवागमन यथावत रखा गया है। क्षेत्रवासियों को बहुत जल्द अब इस सड़क के संधारण के पश्चात आवागमन करना काफी आरामदायक बन जाएगा। सड़क संधारण कार्य एवं उसमें उत्पन्न होने वाली बाधाओं की जानकारी देते हुए भिलाई चरौदा के निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि जब तक संधारण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जैसा आप लोग को मालूम है कि उम्दा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और बरसात के समय उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे और हमारे जो कंस्ट्रक्शन का काम प्रभावित हो रहा था और वहाँ पे छोटे छुटपुट दो तीन एक्सीडेंटों की भी खबर आई थी और एक्सीडेंट किसी बड़े एक्सीडेंट ना हो और हमारा निर्माण कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए अभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। काफी लंबा इंतजार करने के बाद अब भिलाई चरौदा क्षेत्रवासियों को उम्दा सड़क पर आवागमन करना आरामदायक साबित होगा, जिसके लिए क्षेत्रवासियों ने निगम प्रशासन का दिल से आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई तिनचरौदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।